हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। विप्रो काफी समय से जो है ऑनबोर्डिंग का वेट करवा रही है और फाइनली जो है ग्रेजुअली सब लोगों को धीरे धीरे ऑनबोर्डिंग का अपडेट दे रही है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि टर्बो वालों को इलाइट में कन्वर्ट करके जो है इन्होंने 6.5 से 3.5 एलपीए का पैकेज दिया। उससे पहले विल्प वालों को ऑनबोर्डिंग हो रहा था और उससे पहले भी इलाइट वालों को जो दिसंबर में हुआ था ऑनबोर्डिंग वही रह गया है। तो टर्बो वालों का जो अब जो ऑनबोर्डिंग होने वाली है वो मार्च में होने वाली है। इलाइट का कोई भी ऑनबोर्डिंग अपडेट नहीं है, दिसंबर में जो हुआ था लास्ट ईयर 2022 में वही है। और विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाली है। ठीक है, तो ये है विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी बात करते हैं इसके स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो इन्होंने कुछ लोगों को जो है अपडेट भेजना शुरू कर दिया है। अपडेट ये है कि प्री कनेक्ट सेशन का मेल आया है। प्री कनेक्ट सेशन में इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया, डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग फ्रॉम विप्रो, वी होप यू आर अ सेफ एडमिस्ट द प्रेवलिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन द कंट्री। वी आर डिलाइटेड टू हैव शेयर द वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डिटेल्स एंड टेल यू वी आर ऑल टू हैव यू ऑन बोर्ड विथ अस। वी हैव शेड्यूल अ प्री कनेक्ट सेशन विथ यू ऑल विथ योर ऑनबोर्डिंग टीम एट विप्रो टू हेल्प यू understand better our entire onboarding process well in advance so that notification are fast to the 12 onboarding date। तो ये जो मेल है ये मेल क्या है, ये प्री कनेक्ट सेशन का मेल है। ये मेल किसको मिल रहा है, ये मेल अभी विल्प वालों को मिला है। ये मेल कल से मिलना शुरू हुआ है। ये प्री कनेक्ट सेशन एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्री कनेक्ट सेशन में होगा क्या, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जितने सारे डाउट होंगे, वो इसमें क्लियर किया जाएगा। इसकी एक टीम होगी जो टीम जो है आपको ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जितने सारे डाउट हैं क्लियर करेंगे। एक्चुअली ऑनबोर्डिंग रिलेटेड क्या डाउट है, जो ये जो विल्प वाला का है, ये इस विल्प वालों का जो है ऑनबोर्डिंग का डेट आ चुका है। ये जो ऑनबोर्डिंग है वो 2 मार्च को होना है, 2 मार्च 2023 को ऑनबोर्डिंग होनी है। और इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग जो है 13 मार्च 2023 को होने वाली है। तो ये जो अपडेट है वो विल्प कैंडिडेट के लिए है। विल्प वालों को जो है ये मेल आना शुरू हो चुका है। विल्प इनकी जो ऑनबोर्डिंग होने वाली है वो 2 मार्च को होगी और ज्वाइनिंग जो होगा वो 3 मार्च को होगी। उससे पहले ये प्री कनेक्ट सेशन करवा रहे हैं। प्री कनेक्ट सेशन ज्वाइन करना मैंडेटरी है भाई। एक्चुअली है क्या, प्री कनेक्ट सेशन में जो है आपको ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जितने सारे डाउट होंगे उसको क्लियर करेंगे। ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने का क्या क्या प्रोसेस होगा, उन सारे चीज़ों को ये अपडेट करेंगे। और उसमें हो सकता है आपका अटेंडेंस भी लिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जो है प्री कनेक्ट सेशन ज्वाइन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनबोर्डिंग से के ऊपर। तो इसमें इन्होंने कुछ लोगों को जो मेल किया है ऑनबोर्डिंग के लिए, जो कि 2 मार्च को होने वाला है और ज्वाइनिंग जो 13 मार्च को होने वाला है, उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट में इन्होंने कुछ पॉइंट को मेंशन किया है जिस पॉइंट को हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, यू मे required to report to office for training all after the date of joining the details with what will be हाँ onboarding के बाद जो है onboarding के बाद आपको क्या हो सकता है कि training location पे report करना पड़ सकता है office में, यानी back to office जाना होगा। अब घर से नहीं होने वाली है training, back to office training। द पोस्टिंग लोकेशन विल बी भुवनेश्वर, द पोस्टिंग लोकेशन टू सब्जेक्ट टू चेंज बेसिस बिजनेस रिक्वायरमेंट, वी विल कम्युनिकेट टू यू इन केस ऑफ एनी पोस्टिंग लोकेशन। हाँ, ये पोस्टिंग लोकेशन जो है कुछ लोगों को भुवनेश्वर मिला है। भुवनेश्वर इस लोगों को मिला है जो अपनी चॉइस ऑफ फिलिंग जो देते हैं, चॉइस ऑफ फिलिंग में जो आप देते हैं लोकेशन के लिए चॉइस, उसके अनुसार ही भुवनेश्वर मिला है। कुछ लोगों का कलकत्ता भी होगा, कुछ लोगों का बेंगलुरु भी होगा, कुछ लोगों का सूरत भी होगा, इस टाइप का कुछ भी मेंशन किया होगा जो आपका जो आपने चॉइस दिया होगा उसके है। तो ट्रेनिंग के बाद जो है, ट्रेनिंग से पहले आपको ऑफिस में है रिपोर्ट करना होगा ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग के बाद। नेक्स्ट उन्होंने क्या मेंशन किया, प्लीज नोट दैट पोस्टिंग लोकेशन आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड एनी रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन चेंज शैल नॉट बी एंटरटेन। हाँ, ये जो लोकेशन दिया गया है ये लोकेशन जो है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट दिया गया है। यदि आपके चॉइस के अनुसार भी लोकेशन नहीं दिया गया है तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दिया गया है। ये जो लोकेशन है आपके कहने पे चेंज नहीं होगी। जब बिजनेस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी अलग लोकेशन पे तो आपको लोकेट कर दिया जाएगा, उसके बाद है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इनकेस यदि आपको कोई भी लोकेशन मिला आपकी चॉइस के अनुसार नहीं मिला है तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपको अब लोकेशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या मेंशन किया, इन केस यू फेल टू कंप्लीट योर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी एंड
ऑन वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डे ड्यू टू सम रीजन एंड विप्रो एंड कंप्लीटिंग द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज एंड डिसीजन है इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है कि यदि आप ऑन बोर्डिंग डेट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद जो है विप्रो के अंदर आ जाएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हो सकती है आपकी ऑनबोर्डिंग जो है पोस्टपोन कर दी जाएगी और नहीं भी दी जा सकती है। तो ऑनबोर्डिंग डेट के लिए आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होगा कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना एक्सटेंड कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट है और ये विल्फ कैंडिडेट के लिए है, ये विल्प कैंडिडेट के लिए है जिनका की ऑनबोर्डिंग 2 मार्च को होने वाला है और ज्वाइनिंग 30 मार्च को होने वाला है। लोकेशन आपके अनुसार दिया गया हुआ है, ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग लोकेशन पे हो सकता है जाना पड़ सकता है। इसका अपडेट जो है आपको मेल के थ्रू दे दिया जाएगा। बाद बाकी नेक्स्ट बात करते हैं तो टर्बो वालों को अब तो ऑनबोर्डिंग का मेल आना शुरू हो चुका होगा क्योंकि इनका जो है मार्च में होने वाला है, मार्च 2023 में। एलाइट वालों का भी कोई भी अपडेट नहीं है, ना कि फेज 1 का है और ना ही फेज 2 का अपडेट है, कुछ भी अपडेट नहीं है। विल्प वालों का जो है दिसंबर 2022 में तो हुआ ही था, जनवरी में भी हुआ ही था, 2023 में फरवरी में भी हुआ ही था और मार्च में का डेट भी आ ही गया है। तो विल्प वालों का कंटिन्यूअस ज्वाइनिंग चल रहा है और हो सकता है इनकी ज्वाइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इट मे बी इलाइट वालों का भी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।